गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ, वेलकम टू पार्थ ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टेक अ रीकैप ऑफ चैप्टर नंबर वन, दैट इज नेम्ड एज नंबर सिस्टम. सो यू थिंक व्हाई वी स्टडी दिस नंबर सिस्टम? बच्चे, इन कंप्यूटर वट एवर यू टाइप, ठीक है, आप चाहे वर्ड्स टाइप करो, कुछ भी टाइप करो, दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. Even your drawings, your audios and videos that are also translated in the number and then stored in the computer. ठीक है, computer उनको numbers में translate करता है और फिर store करता है. That's why we have to study the number system. So first of all we will discuss what is number system. बच्चे, the technique to represent and work with numbers is called as number system. और द ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर इज कॉल्ड एज नंबर सिस्टम. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द बेस ऑफ नंबर सिस्टम? बच्चे, एक नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी डिफरेंट डिजिट्स और सिंबल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स बेस. और द नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस. एंड वी हैव टू स्टडी फोर कॉमन नंबर सिस्टम्स. द वेरी फर्स्ट वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम, विच इज डिराइव्ड, विच इट्स नेम्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड नेम एज डेकम. ओके, इट्स बेस इज 10. इट मीन्स इट हैज 10 डिफरेंट डिजिट्स. अगर इसके 10 डिफरेंट डिजिट्स और सिंबल्स हैं, 10 है, दैट्स वाई इट्स बेस इज 10. बच्चे, 10 कौन से? 0 से 9 तक. 9 के बाद कोई भी डिफरेंट डिजिट नहीं होता. अगर आप 10 लिखते हो तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0. ओके, दैट्स वाई इट्स नेम इज डेसिमल डेकम, विच मीन्स 10. एंड इट इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम. बच्चे, ये एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है जहाँ हर एक डिजिट की वैल्यू उसकी प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है और पोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग 123. ओके, नाउ इन डेसिमल नंबर सिस्टम जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो, आप इसको बोलते हो यूनिट प्लेस. This is your tens place and this is hundred place. It means हर digit की अपनी एक positional value होती है बेटा. Now this place is basically the 10 raised to the power 0 because it has base 10. That's why इसका जो first place value है, that is 10 raised to the power 0. Its base value is 10 raised to the power 1 and its base value is 10 raised to the power 2. 10 raised to the power 2 means 10 into 10, that is equal to 100. That's why we call कि यहाँ पर जो positional value है, that is 100. Okay, 10 raised to the power means 10, 10 raised to the power 1 means 10, and anything, any number raised to the power 0 means होता है 1. So this is your tens place and this is your ones place. और ये derived कैसे किया? That is derived from its base. And किसी भी number system में जो आपके पास right most digit होता है, that is called as लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट इज LSD, दैट इज नेम्ड एज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. एंड द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज नोन एज MSD, दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, बिकॉज इफ इट इज एट द हाइएस्ट प्लेस्ड वैल्यू, और इसकी जो प्लेस वैल्यू है और पोजिशनल वैल्यू है वो लो होती है. दैट्स वाई इट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड इट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. सो बच्चे, इट्स क्लियर व्हाट इज पोजिशनल नंबर सिस्टम, वेयर द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट डिपेंड्स अपॉन द इट्स फेस वैल्यू प्लस इट्स प्लेस वैल्यू. आप मैथ्स में पढ़ते हो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यही इसकी यहां पर देखो 3 डिजिट है, दैट इट्स प्लेस वैल्यू इज 1 एंड इट्स फेस वैल्यू इज 3. सो दिस इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम. नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज बाइनरी नंबर सिस्टम. योर कंप्यूटर यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम. Means in binary number system, the base is 2. It has only 2 different digits, that is 0 and 1. Iske ilawa isme koi bhi aur digit nahi hota. Everything is represented in the form of 0 and 1. So this number system is difficult to understand because everything is written in the form of 0 and 1. Aur ye kyun 0 and 1 use karta hai? Because your computer understand only, your computer is an electronic machine. ओके, और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होने के कारण सिर्फ ये दो ही स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और अंडरस्टैंड करती है, दैट इज ऑफ एंड ऑन स्टेट. सो
your off state and one represent the on state. That's why your computer understand only this number system. Next number system is named as octal number system. Bache, this is derived from the word octo, 8. ओके और ये भी एक लैटिन वर्ड है ऑक्टो, उसी से इसका नाम पड़ा ऑक्टल नंबर सिस्टम. एंड इट यूजेस 8 डिफरेंट डिजिट्स, दैट इज 0 to 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इट इज आल्सो पोजिशनल नंबर सिस्टम. ये सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम है बेटा, जहां किसी भी डिजिट की वैल्यू उसकी प्लेस के ऊपर डिपेंड करती है, प्लस उसकी फेस वैल्यू भी होती है. ओके नाउ नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मींस 6 एंड डेसी मींस 10. हेक्सा मींस 6 एंड डेसिमल मींस 10. इट मींस हेक्साडेसिमल. ओके एंड इट हैज अ बेस 16 एंड इट हैज 16 डिफरेंट डिजिट्स. बच्चे 16 डिफरेंट डिजिट्स के लिए 10 डिजिट्स तो 0 to 9, 10 डिजिट्स हो गए. अब आप इसमें 10 नहीं लिख सकते, बिकॉज दैट इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, और उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डिफरेंट डिजिट्स चाहिए. दैट्स वाई हेयर वी यूज कैपिटल ए विच रिप्रेजेंट 10, कैपिटल बी रिप्रेजेंट 11, सी रिप्रेजेंट 12. आपको स्मॉल लेटर यूज नहीं करना, यू यूज कैपिटल लेटर. ओके डी 13 को रिप्रेजेंट करता है, ई 14 एंड एफ रिप्रेजेंट योर 15. इट मीन्स इट हैज 16 डिफरेंट डिजिट्स, 10 हो गए 0 से 9 तक, एंड फ्रॉम ए टू एफ विच रिप्रेजेंट 10 to 15. बच्चे जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका जो डेसिमल नंबर सिस्टम है दैट इज अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, सिमिलरली योर बाइनरी नंबर सिस्टम ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, दीज आर ऑल्सो पोजिशनल नंबर सिस्टम, बट दे हैव डिफरेंट पोजिशनल वैल्यू. इनकी पोजिशनल वैल्यू डिफरेंट होती है. बच्चे डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस था 10, दैट्स वाई इट्स पोजिशनल वैल्यू इज 10^0, 10^1, 10^2, 3, 4 and so on. ओके उसमें इस तरह से था, दैट मीन्स 10^0 इज 1, दिस इज योर 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस, 10,000th प्लेस. सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम इट हैज बेस 2, दैट्स वाई इट्स पोजिशनल वैल्यू इज 2^0, 2^1, 2, 3, 4, 5. मीन्स जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा उसकी जो पोजिशनल वैल्यू होगी दैट इज 2^0, और इधर जितना जितना भी आपके नंबर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बनेगी. इट मीन्स यहाँ पर आप वंस, टेंस, हंड्रेड नहीं बोलोगे, यहाँ पर पोजिशनल वैल्यू बनेगी 2^0 इज 1, 2^1 इज 2, 2^2 means 2 × 2, that is 4, 2^3 means 2 × 2 × 2, that is 8, 2^4 means 16, 32. It means its positional value is 1's place, 2's place, 4's place, 8's place, 16, 32 and so on. Similarly, in octal number system, the positional value is depend upon its base, that is the first least significant digit ka place value hoga 8^0, and any number raised to the power 0 is 1. It means 1's place, 8 place, 8^2 means 8 × 8, that is 64. 8^3 means 8 × 8 × 8, that is 512, and so on. Is it clear? Now the next positional number is hexadecimal number system. It has base 16, that's why its place value is 16^0, next is 16^1, next is 16^2, and next 16^3, and so on. Okay, now 16^ is 1, 16^1 means 16, 16^2 means 16 × 16, that is 256, and so on. Is it clear?